हमारे साथ साथ हैं नोएडा सेक्टर के वालिया जी। वालिया जी बताइए कैसा माहौल रहा इस बार चुनाव प्रचार का यहाँ पर पूरा नोएडा में? इस बार कोई खास आया नहीं है हिसाब किताब कि लोग जो हैं कमी लोग आए हैं यहाँ पर जी, है ना। तो केवल बीजेपी या सपा वालों का ही थोड़ा सा दिखाई दिया है, बसपा की तरफ से बसपा का ज्यादा प्रचार शोर शराबा नहीं दिखा, शोर शराबा कुछ भी दिखाई नहीं दिया इस बार। तो क्या लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बीजेपी की स्थिति थोड़ी ठीक है? इस बार बड़ा असमंजस की स्थिति है क्योंकि कांग्रेस सपा के साथ नहीं तो है लेकिन लोग खुश नहीं है इतना, नहीं है कांग्रेस सपा के गठबंधन से, क्योंकि गन्ने की जो वो है मैंने गांव की तरफ थोड़ा सा देखा था जी, तो गन्ने की जो उनकी वो है पेमेंट वो इतनी अच्छी तरह से हुई नहीं है पीछे, तो वो लोग बहुत खसे नाराज है। तो गन्ने के फसल के भुगतान ना होने से किसान काफी नाराज हैं, तो अखिलेश के लिए वो माइनस पॉइंट हो रहा है, बहुत माइनस पॉइंट है वो, और उसी की वजह से। लेकिन बीजेपी से बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा वालिया जी एक बात और बताइए, ये नोटबंदी का कितना प्रभाव है यहाँ पे? नहीं नोटबंदी का ऐसा कुछ नहीं है, नोटबंदी को लेके भाजपा को से कोई नाराजी नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नोटबंदी से तो अब ठीक ठाक हो गया सब कुछ, वो थोड़े दिनों की बात थी, लोग खुशी हैं इससे।